हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11 का जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, वो सारे के सारे आपको कर लेने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप वो सारे क्वेश्चन नहीं करोगे जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तो आप लोग बहुत ही लॉस में रहोगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारे जितने भी सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे जो आपका टॉपिक है व्हाट इज़ द लिविंग, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब मीन्स की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली रहेगी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये नहीं पता ना, समझ लो कि बस कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या है एक किसी भी लिविंग बींग के, कि क्या क्या डिफाइनिंग फीचर्स हो सकते हैं, तो वो सारा का सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डेफिनेटली आपको करते हुए चलना है। तो आप लोग लिख दोगे कि हाँ, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेटाबोलिज्म है, वो सारे सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आपको एक से दो क्या करना है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को लर्न कर लेना है, आपका केवल यही पूछा जाएगा। पूरी राम कहानी आपसे गाथा कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ आपके कि ये बायोडाइवर्सिटी है, नोमेनक्लेचर है, ये सारा कोई आपसे नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछेगा आपसे। केवल आपसे जो पूछा जाएगा कि भैया क्या यूनिवर्सल रूल्स हैं हमारे नोमेनक्लेचर के, तो ये चार रूल्स आपको लिख देने पड़ेंगे उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यही आएगा, जो जो मैं आपको बता रही हूँ केवल वही टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग ये करोगे, लेकिन वो बच्चे जो कि टॉपर बनना चाहते हैं, भैया चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर उनके मार्क्स ना कटें, तो उन लोगों को तो सारा का सारा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वाला टॉपिक आ जाता है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी है, लाइक आपका स्पीसीज है, जीनस है, फैमिलीज हैं, ठीक है। एक बार ऑर्डर आप जो भी हमारा ये हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये जो है आपका ऐसा बच्चे लर्न तो कर लेते हैं, बट ये एग्जाम में कभी नहीं आता। कभी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि फाइलम किसे कहते हैं, किंगडम किसे कहते हैं, तो वो आपको बिल्कुल लर्न नहीं करना। केवल हाँ, इसको चलो थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ट्रिक वाइज लर्न कर सकते हो। लाइक किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, तो कोई भी ट्रिक जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को आप लर्न कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको जो है बेसिकली ये लर्न कर लेना है। चलिए अगर हम बात करें आगे, ये सारा जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं वो सारा हम लोग नहीं करेंगे, केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगी। हर्बेरियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हर्बेरियम होता क्या है। बोटानिकल गार्डन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। म्यूजियम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बट हर्बेरियम वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जूलॉजिकल पार्क के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि टीचर को पता है कि भैया जू के बारे में किसको नहीं पता। कीज़ के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कीज़ बेसिकली क्या होता है और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन के दौरान। बेसिकली फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो साथ ही आपको ये कर लेना है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो आपको फर्स्टली जो है, अगर मैं बता दूँ कि एक तो क्वेश्चन नंबर 10th करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन नंबर 10th आपको कर लेना है। साथ में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 और साथ ही करना है क्वेश्चन नंबर 5th। तो ये तीन क्वेश्चन आप कर लेंगे और बहुत सारे टॉपिक जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है केवल वही आपको कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि टाइम बहुत कम है और मेरे को बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में है, एग्जाम की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, तो केवल आपको वही चीज़ें पढ़ लेनी जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिल्कुल भी ना घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।